मैं हूँ श्वेता और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर श्वेताज गुड लाइफ में। मेरी प्रेगनेंसी के 38th वीक कंप्लीट हो चुके हैं और अब डिलीवरी कभी भी हो सकती है। मेरी ड्यू डेट में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और अब डिलीवरी तो कभी भी हो सकती है, तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूँ जो मैं मेरे लिए कर रही हूँ। वैसे तो हमें पूरी 9 महीने में ही अच्छे से खाना चाहिए, पूरी प्रेगनेंसी में हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए, लेकिन 9वें महीने में हमें कुछ ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमें डिलीवरी में आसानी हो, जिससे हमें लेबर पेन जल्दी आ जाए। हमें 9वें महीने में कुछ ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारा लेबर टाइम कम हो जाए और डिलीवरी में थोड़ी सी आसानी हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे खाने से हमें लेबर टाइम बहुत ज़्यादा देर तक हमारा नहीं खींचता है, लेबर टाइम हमारा कम हो जाता है, पेन तो उतना ही रहेगा, लेकिन बस इतना है कि अगर लेबर पेन स्टार्ट होता है तो डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि इस चैनल पर मैं बहुत सारी तरह के कंटेंट लेकर आती हूँ, ब्यूटी टिप्स रिलेटेड, DIY, हेयर केयर, हेयर स्टाइल्स और हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर, और करंटली मैं प्रेगनेंसी को लेकर भी बहुत सारे ब्लॉग्स बना रही हूँ। तो अगर आपको इस टाइप के कंटेंट देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप भी मुझे बता सकते हैं कि आप किस टाइप की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, मैं आप लोगों के लिए वो लेकर ज़रूर आऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हमें खाना चाहिए 9वें महीने में जिससे हम भी हेल्दी रहे, हमारा बेबी भी हेल्दी रहे और नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाए। कहा जाता है कि हमें 9 महीने में गर्म चीज़ें खानी चाहिए। गर्म चीज़ें खाने का एक रीज़न है क्योंकि हमारा जो पेल्विक एरिया होता है उसकी मसल्स बहुत टाइट होती है, हमारे गर्भाशय की जो मांसपेशियाँ होती है वो टाइट होती है, लेकिन जब हम कुछ गर्म चीज़ खाते हैं तो वो मांसपेशियाँ थोड़ी सी ढीली होने लगती है, और जब उसमें लचीलापन आता है तो बेबी अपने आप को नीचे की तरफ पुश करता है, और जब वो अपने आप को नीचे की तरफ पुश करता है तो सर्विक्स पर जोर पड़ता है, सर्विक्स पर जोर पड़ने की वजह से वो ओपन होने लगता है और डिलीवरी में आसानी होती है। तो अभी आपने ये जान लिया कि आपको गर्म चीज़ें खानी है, तो गर्म चीज़ों में आप क्या क्या खा सकते हैं ये मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। पहली चीज़ है हल्दी। आप गर्म दूध में रात को हल्दी मिलाकर पीजिए, इससे बहुत सारे फायदे हैं। इससे एक तो आपका दर्द कम होगा, क्योंकि 9वें महीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है हमारे पेट में, कमर में, बहुत सारी जगह पे हमें दर्द होता है 9वें महीने में, इसलिए हल्दी उसमें हमें राहत देगी। सेकेंड चीज़ है हमारी अदरक यानी कि जिंजर। अगर आप हल्दी नहीं प्रिफर करना चाहते हैं तो आप गर्म दूध में अदरक मिलाकर भी पी सकते हैं, अदरक वाला दूध, ये भी बहुत हद तक आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा। ये ट्रिक भी आपको बहुत हद तक नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेल्प करेगी। थर्ड चीज़ है हमारी गार्लिक। आप या तो इसे खाली पेट सुबह खा सकते हैं 2-3 कलियाँ, या फिर आप इसे सब्जी में भी खा सकते हैं, आप सब्जी में ज़्यादा गार्लिक मिला के खा सकते हैं। चौथी चीज़ है हमारी अजवाइन के लड्डू। वैसे तो अजवाइन के लड्डू डिलीवरी के बाद भी खिलाते हैं, लेकिन आप चाहे तो इसे पहले भी खा सकते हैं। आप सुबह सुबह अजवाइन के लड्डू को 1 गिलास दूध के साथ खा लीजिए, ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप अजवाइन के लड्डू नहीं बनाना चाहते तो आप तिल के लड्डू भी बना सकते हैं। मैं अजवाइन के लड्डू की जगह तिल के लड्डू प्रिफर करती हूँ, ये मैंने घर पर ही मम्मी ने बनाए हैं तिल और गुड़ के लड्डू, तो मैं ये खाती हूँ। लेकिन आपको तिल के लड्डू का ज़्यादा सेवन नहीं करना है, 1 लड्डू 1 दिन के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट है हमारा पानी। पानी तो आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत सारा पीना है, पानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 9 महीने में स्पेशल आपको पानी को थोड़ा सा गुनगुना करके पीना है। जी हाँ, आपको गुनगुना पानी पीना है, और अगर आप गुनगुना नहीं भी पी पाए तो ठंडा ना पिए, आप रूम टेम्परेचर का पानी पी सकते हैं। ठंडी चीज़ें इस महीने में आपको अवॉइड करनी है जितनी हो सके, क्योंकि अगर आप कुछ ठंडा खाएंगे तो इससे आपकी जो मसल्स है, जो मांसपेशियाँ है, वो ऑलरेडी बहुत टाइट है, और अगर आप ठंडी चीज़ें खाएंगे तो वो और ज़्यादा श्रिंक हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, जिससे आपको डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी, आपका जो लेबर पेन है वो बहुत लेट आएगा, आपका सर्विक्स ओपन नहीं होगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि 9वें महीने में जितना हो सके ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें, या फिर आप रूम टेम्परेचर की चीज़ें खाएं लेकिन ठंडी नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया उससे आपकी मसल्स टाइट हो जाएंगी और आपका लेबर बहुत लेट आएगा, आपका सर्विक्स ओपन नहीं होगा, और ये बहुत गलत हो जाएगा उस सिचुएशन के लिए जब आपकी डिलीवरी होने वाली होगी। तो आप ठंडी चीज़ों को अवॉइड करिए 9 महीने में। अगर आपका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक पीने का, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, तो आप अपने मन को मत मारिए, आप दिन में थोड़ा बहुत खा सकते हैं। अगली जो हमारी चीज़ है वो है खजूर। आपको खजूर को कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको इसे भी दूध के साथ लेना है, या तो आप इसे दूध में उबाल सकते हैं, उसके बाद आप खजूर भी खा लीजिए, दूध पी लीजिए उसके ऊपर से, या फिर आप खजूर खा लीजिए उसके ऊपर गर्म दूध पी लीजिए, आप किसी भी तरह से खजूर को खा सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे तरह के होते हैं, सारे ही ड्राई फ्रूट्स आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। आप दिन भर में एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स लीजिए, सारे मिक्स ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए और उसे खा सकते हैं। अगली जो हमारी ट्रिक है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, हर घर में ये कहा जाता है और मुझे भी बहुत सारे लोगों ने ये टिप दी है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या है, वो है गर्म दूध में घी डालकर पीना। जी हाँ, गर्म दूध में अगर हम घी डालकर पीते हैं तो इससे हमारा सर्विक्स चिकना होता है और बच्चे को बाहर निकलने में आसानी होती है। लेकिन अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, अगर आपने थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा वेट गेन किया है या पहले से भी ओवरवेट है, तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि दूध के साथ घी पीने से आपका वेट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा। इसलिए अगर आपका वेट नॉर्मल है, आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप ऐसा ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसे बहुत हेल्पफुल माना जाता है इस टिप को। डिलीवरी के टाइम अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अगर आपका वेट ज़्यादा नहीं है तो ही आप एक गिलास गर्म दूध में आधी चम्मच घी डालकर पी सकते हैं। और अगर आप फिर भी ये टिप करना चाहते हैं तो आप दूध की जगह गर्म पानी में भी घी डालकर पी सकते हैं। गर्म चीज़ों के अलावा आपको इस महीने में आयरन वाली चीज़ें भी लेनी है, जिससे आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहे, क्योंकि अगर डिलीवरी के टाइम पे आपका हीमोग्लोबिन कम रहता है तो डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते हैं। और आयरन वाली बहुत सारी चीज़ें जैसे पालक हो गया, गाजर, चुकंदर, अनार, एप्पल, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो चीज़ें रह गई है वो आप गूगल कर सकते हैं कि आयरन के लिए आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं जिससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़े। एक टिप और मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर आप कभी भी कोई सी आयरन वाली चीज़ खाते हैं तो उसे एब्जॉर्ब करने के लिए आप कोई सी विटामिन सी की भी चीज़ें खाएं, जिससे आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए आपके बॉडी में, क्योंकि आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी हेल्प करता है। आप इन सब के अलावा ओट्स खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं। आपको खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए, जैसे कीवी, संतरा या नींबू। आप ये सारी चीज़ें खाइए जिससे आपको आयरन की डेफिशिएंसी ना हो। एक और चीज़ है कि अगर आपका 39th वीक कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद आप पाइनएप्पल और कच्चा पपीता खा सकते हैं। थ्रू आउट प्रेगनेंसी कच्चा पपीता और पाइनएप्पल खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि इससे मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप 39 वीक कंप्लीट होने के बाद इसे खाते हैं तो आपका सर्विक्स ओपन होगा और डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। आपको पाइनएप्पल या कच्चा पपीता सिर्फ 39 वीक कंप्लीट होने के बाद या 40 वीक कंप्लीट होने के बाद खाना है, और उसमें भी आप अपने डॉक्टर से सजेशन लीजिए कि आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं। आपको पाइनएप्पल और पपीता दोनों ही चीज़ें अपने डॉक्टर से पूछ के खानी है, और कितनी खानी है ये भी आप उनसे पूछ सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। सोया ये थी वो सारी चीज़ें जो आपको 9 मंथ में खानी चाहिए जिससे आपका लिवर पेन स्टार्ट हो जाए। लेकिन आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं कि हम ये सारी चीज़ें कर रहे तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो डॉक्टर उस टाइम चेक करते हैं। तो आप ये ना सोचें कि ये सब करने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, बस आप पॉजिटिव रहिए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन आप अपने माइंड को उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर कीजिए कि आपका सीजर भी हो सकता है, ताकि आपको उस टाइम पे अचानक से स्ट्रेस ना आ जाए, क्योंकि जब आपकी डिलीवरी होती है, जब आप लेबर में जाते हैं या आपका सीजर भी हो रहा है, उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, वरना ये आपके लिए और बेबी के लिए दोनों के लिए सही नहीं है। बस आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम खुश रह सकते हैं। हम जितना ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स रखेंगे, अपने आप को एक्टिव रखेंगे, अपनी हॉबीज़ में अपना दिमाग लगाएंगे, कहीं और दिमाग लगाएंगे ना, तो हमारा पेन थोड़ा कम हो जाएगा, ख़त्म तो नहीं हो सकता है। बस ये है कि आप अपने आप को कहीं बिजी रखिए, ऐसा ना हो कि आप पूरे 9 महीने सिर्फ दिन गिन रहे हैं कि कब आपकी डिलीवरी होगी। ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं इसी तरह के कंटेंट और लेकर आऊँगी। अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे बताना, तो मैं इसी टाइप का और कंटेंट कुछ क्रिएट करूँगी। और अगर आप लोगों को मेरी प्रेगनेंसी जर्नी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, मैं आफ्टर डिलीवरी भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।